तो भाई हम आ गए अपने घर से 150 किलोमीटर दूर। वी आर बैक अगेन नवीन दुबई के साथ। गाइस चूक ना जाना किंग का खाना। चूक ना जाना किंग का खाना, इसलिए आ गए हम जा रहे हैं भाई बहुत दूर, बहुत दूर जा रहे हैं। बताना है क्या कहाँ जा रहे हैं? नहीं अभी अभी नहीं बताना ना, क्योंकि अभी दूरी इतना है, अभी तुम्हें बता के समझ ही नहीं आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। पर यूँ मान लो कम से कम 5-7 स्टेट दूर जा रहे हैं, तो अब समझ जाओ हमारी फेवरेट जगह तुम्हें बोल रखा है पिछले व्लॉग में कौन सी है, गैस कर लो। तो अभी हमें किंग के खाने के पास, होटल हाईवे किंग, किंग का खाना चूक मत जाना। तो वही है, हम चूकने नहीं आए, खाना थोड़ा खा ही लेते हैं, कदर रास्ते में कुछ हो जाए भाई कुछ मानता ना हो इस होटल की, मान इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं तो कुछ तो होगा। अंकित भाई का है, भाई पीछे फील ले रहे हैं फुल स्विंग्स की हैं, तो देखते हैं। अभी भाई छोटा बच्चा था, यही दोनों में झूलता था, यही शरारत करता था, पर बड़ा बढ़िया रखा है देखियो, फुल बैट बॉल बूट बॉल का क्रिकेट वगैरह है ना, सही है, होनी चाहिए ये चीज, गाड़ के बोर ना हो। आपकी फोटो खींच चुके हैं? हाँ खींच दे, मैं डाल दूंगा उसको इंस्टा पे और वो लिख दूंगा कैप्शन में नवीन जाना किंग का खाना। तो भाई अभी आए हैं अपना किंग का खाना कुछ खाने, और अपनी रोड ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। तुम्हें पता ही है कि हम इतनी पास तो जाते नहीं है, जाते हैं तो बहुत दूर जाते हैं, नहीं तो काम में बिजी रहते हैं। तो जो भी होगा जैसा भी होगा तुम्हें पता चलता ही रहेगा अब तो, क्योंकि अब व्लॉग स्टार्ट ही हो गया अपने, और व्लॉग क्या स्टार्ट हो गया, अपनी पूरी सीरीज स्टार्ट हो गई है भाई रोड ट्रिप की, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और हमारे भाई आ गए हैं जो काफ़ी बिजी रहते हैं। हाँ जी क्या हाल है भाई? पहली बार हमारे व्लॉग में आ रहे हैं, भाई को आप जानते ही होगे, नाम तो सुना होगा शाहरुख। नहीं भाई, भाई अपने अंकित का ध्यान भूल गया था, मैं पहली बार मिल रहा हूँ ना आज भाई से। फेसबुक पे इन्हें कोई जाने ना जाने, पर फेस टू फेस सारे जानते हैं। फेस टू फेस सारे जानते हैं। तो भाई कुछ खाते हैं पीते हैं और रास्ते में फिर आराम से बढ़िया बातें करते हैं, बढ़िया बकचोदी तो होती रही। पीने पे ध्यान है? अरे कुछ ना पिए, तीन ग्लास गाय का या पतंजलि। तो भाई जैसा भी होगा जो भी होगा तुम्हें पता चलता ही रहेगा, फिलहाल कुछ ऑर्डर कर देते हैं और कुछ खा पी के निकलते हैं यहाँ से। ढाबा भाई, अरे किंग का खाना सब कुछ है किंग के खाने में, जब ही तो किंग है यार, ये तो कोई नहीं होती। क्या लेगा पता? भाई का गला खराब हो गया पी पी के। तो भाई खाना खुना खा लिया, खाया तो क्या ही है, एक हॉट चॉकलेट लिया मैंने और भाई ने अपना कॉफी पी, और ये खड़ी अपनी गाड़ी 0001, यही है आज की राइड भाई, आज की राइड नहीं इस ट्रिप की राइड यही है अपनी, वरना घर खड़ी है सेफली, क्योंकि हर बार वरना लेके जाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा ना, बढ़िया इसमें कम्फर्टेबल हो गए। तुम्हारा भाई पीछे लेटता हुआ जा रहा है, कैसी लगी कॉफी? बढ़िया भाई बहुत शानदार। आगे आ जा, तू आगे बैठ, पीछे आराम से बैठेंगे। ये देख लो भाई फुल पावर सारी चीज पैक कर रखी है, पानी से लेके और खाने से लेके सब कुछ है, बस एक रशियन विस्की और होती ना मजा आ जाता। अरे मजाक कर रहा था भाई, हम नहीं पीते खाते, अगर पीनी होती तो अभी तुम्हें सीधा पैग ही मिल रहे होते वीडियो में, ऐसा अपना ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई कुछ छुपा के करना है, जो है सरेआम है। क्यों नवीन? बिल्कुल सही बात है भैया, है ना, डरना क्या जब नवीन अपने साथ है भाई। सीधी तो उल्टी दिखा रहा है, उससे आगे दिखाई नहीं रही। अच्छा नहीं दिखाता मंडल वो। जयपुर होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये हमें बहुत साथ देने वाली है हमारा, अभी तो हमें बहुत दूर जाना है, बहुत ज्यादा दूर, तो कहीं सीएनजी कहीं पेट्रोल और कहीं हवा से चला देंगे इसको। हाँ तो भाई हम पहुंच गए अजमेर, मतलब पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं, और जस्ट अभी रुका था मैं यार, एक क्लिप बना ले भाई अगेन, अभी काफ़ी देर हो गई थी, फ़ोन हाथ में मिल गया था, एक घंटा सो गया यार मैं साइड में बैठा बैठा, और चलते अभी फटाफट। चल है भाई नवीन सो चुका है, बढ़िया बेड बना के, ये सामान है कुछ ये पार्सल करना, क्या है भाई चलना लेफ्ट में? हाँ ठीक है ना, वैसे सामान सब बढ़िया भाई, नहीं सामान ठीक है ना, कभी और कुछ तो नहीं रख रखा? ना ना ना, अरे मजाक कर रहे भाई, घर का सामान है पूर्ण देना है। कितना टाइम हो गया भाई? We'll be right back.
हाँ तो भाई सुबह हो गई है, बज गए हैं 6:30 और अभी अभी भाई यार उठे हैं। भाई यार तो क्या नवीन ही सो रहा था, बढ़िया बेड बना के। हाँ भाई कैसी नींद आई? नींद ही कहाँ आई, क्या लेके जा रहे है तू? क्या लेके जा रहा हूँ? ये बंधन मेरा ही है क्या सारा? ये नहीं, ये वो है पुणे, पता नहीं किसका ये, उसका पुणे है, पुणे भाई बढ़िया अपना व्यू का एंजॉय करते हुए। और यहाँ बढ़िया ड्राइविंग सीट पे आके थोड़ा नींद खुली है, नहीं तो भाई नींद आ रही थी बहुत गंदी साइड में बैठ के। आधा पौना घंटा हो गया गाड़ी चलाते हुए। अभी कुछ खाएंगे बढ़िया और उसके बाद निकलते हैं, फिर के बाद बढ़िया ड्रोन उड़ाते हैं। पहली बार आज भाई कोई, वैसे तो मैंने घर पे एक दो बार उड़ा के देखा बट कभी यूज़ नहीं हो पाया वो बेचारा दुबई से आने के बाद। नवीन ने दिलाया था जबरदस्ती, अभी उससे करेंगे पहाड़, अभी कुछ करेंगे, अभी उठा है भाई। उसके बाद खाना खुना खा के फिर देखते हैं भाई कैसे क्या, आज उड़ा के देखते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको, किधर ट्रक ट्रुक के नीचे ना आ जाए यार वो। कैसा फील हो रहा है? बोरिंग फील हो रहा है, इतनी दूर आके भी बोरिंग फील हो रहा है। तुम चुपचाप बैठे हो, मैं चुपचाप बैठा हूँ। मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ यार, मेरी तो हालत ही नहीं हो रही। 25 घंटे हो गए, 25 तो नहीं 17-18 घंटे हो गए, क्योंकि मैं भी तो मंदे मंदे आराम से फिलहाल भाई बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और हम पहुंचने वाले उदयपुर, ज्यादा कुछ बनाया नहीं क्योंकि हर बार की तरह मैं कुछ लंबा नहीं खींचना चाहता था व्लॉग को। दो व्लॉग ही बनाएंगे हम अपना, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ तक, मतलब उस रास्ते के। उदयपुर पहुँच जाए, उदयपुर रहता है 50-60 किलोमीटर, फिर थोड़ी एनर्जी सी आएगी कुछ खा पी के। ब्रेकफास्ट तो दो बार कर लिया हमने नवीन और मैंने, दो बार कर लिया सही में, बट जाके कुछ अच्छे से खाएंगे और हो सकता है शायद रेस्ट करें, बट मन भी नहीं है क्योंकि अब नींद नहीं आ रही है, अब तो रात को ही नींद आएगी। तो देखते हैं एक बार कोई रेस्टरूम वगैरह मिल गया तो बढ़िया शावर वगैरह लेते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। इट साइड में ही मेरे भोलेनाथ जी की ये मूर्ति आ गई, एक बार देखो यार कितना ह्यूज स्टैचू है ये, देखो बस मैंने दिखाया हुआ है काफ़ी व्लॉग में बट प्रॉपर अंदर से नहीं दिखाया, तो अब की बार आते टाइम वापस आते टाइम अंदर पक्का चलेंगे। मैं तो गया हुआ हूँ वैसे बट व्लॉग में नहीं दिखाया हुआ, शायद दिखाया भी हो जब हम कन्याकुमारी गए थे, पता नहीं। उदयपुर पहुंच गए, अब अपना अगला स्टॉप है सीधा गुजरात। गुजरात में कहाँ ये नहीं पता, बट अगला थोड़ी देर में चला चला, बट अगला स्टॉप अपना सीधा गुजरात होगा। खोल दिया बैठ लिया गाड़ी में, क्या चल रहा है बोल ले कुछ है। थोड़ा दिल्ली से आता सांस आई है, अब क्या सांस आई है जब से चुप बैठा है, ना अच्छा कुछ खाया था ना अच्छा कुछ लिया था। सच में भाई अब की बार तो हालत खराब होगी क्योंकि गर्मी होगा दिन है। पूरी खत्म करवाइयो ना। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, पूरी भी खाएंगे भाई, घर की पूरी तो सबसे पहले खानी है, दिन में खाएंगे अभी 3 बजे से। गर्मी इतनी हो रखी है ना भाई, पहली बार ऐसे मौसम में आया हूँ मैं तो, यहाँ पे बुरी हालत हो रखी है, गाड़ी ठंडी नहीं हो गई दे रही, 3 पे AC चल रहा है जब भी।
हनी सिंह छोटा ये देखो सही है सही है गुजरात में एंट्री हो गई है और थक गए भाई, माँ की कसम बहुत ज्यादा थक गए। सो 6 बजे से चलाने लग रहा हूँ और 6 ही बजने वाले हैं, 5 बज चुके हैं। अभी रुके थे एक बार यहाँ, थोड़ा सा वहाँ फोटो खिंचवा लेते हैं यार, एक तो ड्रोन उड़ाने का तो टाइम ही नहीं मिला, या तो गाड़ी चला लो या फिर ड्रोन उड़ा लो, क्योंकि भाई भी सो गए थे, अकेला ही मैं चला रहा था। फिलहाल तो फुल फोटो शूट चल रहा है। लो भाई ऐसे किया, ऐसे पीछे कर देंगे नवीन तुझे फोटो खिंचवाने के लिए। लेते यार कुछ ठंडा पीने का मन हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा सच बताऊँ तो, नींद आ रही है। और 1 घंटा गाड़ी चला के ड्राइव करके उसके बाद सो जाऊँगा, 2-3 घंटे बाद उठूँगा जब बॉम्बे के पास पहुँचने वाले होंगे। सोच लो यार इतना हिंट दे दिया, रोड सब कुछ कहाँ जा रहे हैं खुद ही बता देना कमेंट में यार। फोटो खिंचा लूँ मैं अभी, एक दो बाल एक तो ऐसे हो गया ना, मन कर रहा है कटवा देता हूँ इनको, बढ़ाने का शौक खत्म कर दूँ। हाँ तो गाइस क्या हाल है यार, रात के बज रहे 2:30 और हम पहुँचने वाले हैं बॉम्बे। बॉम्बे यहाँ से रहता है 188 किलोमीटर और अभी जस्ट ड्राइव थ्रू पर रुके थे मैकडी पे, मैं भी सो गया था और अंदर भी सब सोने लग रहे हैं। मैं भाई 3-4 घंटे सो गया, पीछे बढ़िया बेड बना रखा है मैंने, दिखाया था आपको वीडियो में, और फिलहाल भी सब सो ही रहे हैं। मैंने सोचा कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, भूख लग रही है, उठा था मैं 2 घंटे पहले, फिर ड्राइविंग सीट पे आया, फिर भाई यार सो गए, अब अकेला ड्राइव कर रहा हूँ। भाई हिम्मत ही नहीं थी यार क्लिप बनाने की, सच में इतना भागम भाग हो गया ना, अब आराम से जाके पुणे स्टे करेंगे ना, उसके बाद थोड़ा रिफ्रेश हो पाएंगे। तो फिलहाल गाइस बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस ट्रिप को लेके सच में भाई, अभी तो थोड़ा है ना हेक्टिक हो गया क्योंकि 30 घंटे हो गए ड्राइव करते हुए, 30 घंटे से गाड़ी में ही है, बट जैसे ही पुणे पहुँचेंगे एक दिन का स्टे लेंगे ना, उसके बाद प्रॉपर मतलब एनर्जी आ जाएगी बॉडी में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और नवीन और अंकित भाई तो पहली बार के लिए तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली है, मेरे लिए तो शायद मैं बोर भी हो जाऊँ क्योंकि होता भी हूँ। ऑर्डर पिक कर लेता कर ले UPI करती हूँ। हाँ तो गाइस खाना आ चुका है अपना, वैसे तो हमने अभी अभी थाली खाई थी जब मैं उठा था ना, तो सबने थाली खाई थी, बढ़िया थी मतलब ठीक ठाक था, बेटर मैंने ले ही लिया क्योंकि भूख सी लग रही थी, और ये भी उठेंगे तो फिर आराम से खा लेंगे, इतना टाइम भी बच जाएगा अपना। तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से, बॉम्बे भाई 180 किलोमीटर के करीब रहता है 188, फटाफट पहुँचते हैं और फिर थोड़ी आँखें खुल जाएंगी स्काईलाइन को देख के।